जैसे कि अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे पहले तो मदर फादर जो हमारे मम्मी पापा हैं उनका स्ट्रगल ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक था, बिकॉज मैं बहुत ही छोटे लेवल से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे नॉर्मल एक मेरे घर में बिजली तो 2015-16 में एक बिजली लगी है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेवल क्या होगा। वो एक लाइट से पढ़ना, कैंडल और ये सब चीज़ें जो है तो वो ये थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं था। मैं अपने आप में बहुत वो स्ट्रेंथ फुल महसूस कर रहा था कि यार चीज़ें इतना फेस कर चुका हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए खोने के लिए क्या है। वेलकम टू द चैमोमाइल टी विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव ऑफ अनअकैडमी। मेरा नाम मुकेश है और आज हमारे सामने बैठे हैं योगेश कुमार गौर जी, यूपीपीसीएस 2017 के टॉपर और ये डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हो गए हैं। आइए चलिए इनका स्वागत करते हैं। हेलो योगेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तो योगेश जी, अभी तक आपका ये सफ़र कैसा रहा? और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरे लिए बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है कि मैंने जिसको पढ़ाया आज वही मेरे सामने एज ए डिप्टी कलेक्टर बैठे हुए हैं। तो इनकी क्या जर्नी रही ये आप लोगों को बताएंगे। योगेश बताइए। सर, ये सिविल सर्विसेज अपने आप में एक लॉन्ग जर्नी होती है। ये अपने आप में ही इसके पैटर्न ही जो है 3 लेवल्स के होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और इसके साथ में एक जो सबसे बड़ी बात होती है, मुझे लगता है जो एस्पिरेंट जो मैंने फेल किया, ये अपनी पर्सनल जो लाइफ होती है वो एक कंटिन्यूस एग्ज़ाम प्रोसीजर चलता रहता है। तो मिला जुला के एक बड़ा ही जो है अपने आप में ये चैलेंजिंग होता है जो एस्पिरेंट्स के लिए। और फाइनली जो इस चैलेंज को पार करता है, आज रिजल्ट उसके सामने होता है। तो योगेश जी, जैसा कि मैंने काफ़ी सुना है, ये माना जाता है कि ये गरीब तबके का जो विद्यार्थी है उसको काफ़ी हर्डल होते हैं और कोई रिमोट एरिया में है जहाँ पे कुछ इंटरनेट कनेक्शन नहीं, तो आप इस चीज़ को कैसे बताएंगे कि किस तरीके से इन स्ट्रगल को आगे बढ़ना चाहिए? सर, मेरा रिजल्ट है ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक जो भी एस्पिरेंट्स इन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक संदेश हो सकता है। बिकॉज मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं एक रूरल एरियाज से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एक सिचुएशन तो ऐसी है, शायद वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी 2-4 साल पहले, और अगर अभी ये जॉब आई भी है तो एक टीचर्स के रूप में आई है। और मैं भी एक टीचर ही हूँ अभी, तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेरा क्या होगा सिचुएशन कहाँ होगा। वहाँ पर एक नेटवर्क की इशू भी बहुत सारे थे कि क्योंकि ऑनलाइन जॉब में रहते हुए एक ऑनलाइन ही सोर्सेज होते हैं जिससे हम अपना कर सकते हैं। तो अभी एक मेरे साथ एक घटना हुई थी नेटवर्क को लेके कि एक ट्राई किया गया कि यार यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे कंप्लेंट्स हम लोगों ने किए, गांव के लोगों द्वारा कराया गया कि कुछ हो जाए ऐसा। तो फिर जियो के लिए जो है एक हम लोगों ने प्रयास किया, तो वहाँ पे आया तो नहीं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं हो सकता है और ये इसके पहले डिस्टेंस में एडजस्ट करना है। तो वहाँ पर मैं पर्सनली मुझे लगता था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर ऐसा करना, तो वहाँ पे मैंने जो है उसको अपने आप में वो लिया, जाकर वहाँ बात किया कि सर प्लीज़ आप इसको अपनी इंटेंसिटी बढ़ा के यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपने चाचा के खेत में उसको ज़मीन प्रोवाइड करवाया और उस पूरी जो भी टेक्निकल टीम थी उनको पर्सनली असिस्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ जल्दी से एक नेटवर्क लगे और वो चीज़ें हो जाएँ। तो सर, ये मेरे जर्नी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। वो नेटवर्क सेटअप हुआ और सब कुछ सही से चलने लगा और मैं आपके क्लास को बहुत अच्छे से सक्सेस करना शुरू कर दिया। ओके, तो आपका ज़िला और गांव कौन सा हुआ? सर, मेरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक ग्राम बरौली करके गांव है सर, वहाँ पे। तो अभी नेटवर्क अच्छा आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो जब आप जुड़े थे मेरे से तो लग रहा था कि यहाँ तक पहुँच जाओगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या लगता था? नहीं सर, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ इस अनअकैडमी के माध्यम से कि मैं अपनी रियल फीलिंग बता रहा हूँ कि मैं जहाँ से भी हूँ, जैसे भी हूँ, इतना सोचना तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं ये लगता था कि यार हो सकते हैं, हर चीज़ें हो जाएंगी। मेरा शुरू से रहा है कि कभी किसी चीज़ को लेकर डर नहीं था, कि मुझे लगता है कि बस जो भी सामने है उसको करो और तुम कर सकते हो, यू हैव एबिलिटी टू डू। वो चीज़ें मैं करता रहा, लेकिन जब मैं सिविल सर्विसेज के लिए जब एक बार सोचा भी तो फिर ये लगा कि मुझे SDM मिलेगा प्रॉपर, बट ये लगता था लिस्ट में नाम आ सकता है सर, इतना ज़्यादा वो नहीं भरोसा था। बस मुझे लगता था कि मैं रिजल्ट के लिए सोच ही नहीं सकता था सर। इंटरेस्टिंग तो ये है कि मैं रिजल्ट को कभी भी फोकस नहीं किया, मुझे लगता था कि मुझे करना क्या है, मैंने उस पर फोकस किया। मेरा सिलेबस क्या होता है, प्रीलिम्स कैसे होगा, मेंस में क्या आते हैं, एंड देन अपर इंटरव्यू। तो रिजल्ट को मैं फोकस नहीं किया था, मैं अपने स्ट्रेटजी और अपने काम, अपने हार्डवर्क पर फोकस किया, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आया। ओके, तो एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट ने पूछा है कि सर जब भी जाना आप योगेश से ज़रूर पूछना है, ये प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जैसा कि आप बात करें 2019 का, ये बोल रहे हैं कि 13 टाइम बच्चों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया जाएगा, सीटें भी 300 तक श्रिंक हो गई हैं, तो इस माहौल में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और प्रीलिम्स तो सर ये जो सीटें वगैरह कम होने की बात हुई है कि आपका 10 टाइम्स या 13 टाइम्स क्वालिफाई कराया जाएगा, पहले 12 टाइम्स, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज जो फाइटिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो कंपटीशन में होते हैं रियल, वो वही होते हैं जो होने चाहिए, बस जो तैयारी करने वाले होते हैं, बाकी ये मास भीड़ होता है। तो ऑलरेडी 10,000 12,000 जो होते हैं, तो वो तो ऊपर टॉप में जो सेलेक्ट होना है वो वही होते हैं, उनको जो काम करना है वो काम करने वाले सेलेक्ट होते ही होते हैं। तो इससे डरने वाली बात नहीं है एक रियल एस्पिरेंट्स को, जो है सीट्स मैटर नहीं करता कि वो कितना क्वालिफाई कराना है, अल्टीमेटली तो फाइनल सिलेक्शन तो जितनी सीट होती है उतना ही होना है। तो आप पीटी में क्यों डरेंगे कि आप इतना ज़्यादा इतना कम हो रही सीटें या ज़्यादा हो रही हैं। तो आजकल ये भी चल रहा है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, ये दूसरा क्वेश्चन था बच्चों का, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो क्या सजेस्ट करोगे। जी सर, हाल के एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल हो गया है, लगातार इनके जो है वेटेज बढ़ते जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन देना चाहूँगा कि एक एज एस्पिरेंट, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आप 24 घंटे अपने आप को अवेयर रखो, चौकन्ना रखो, आप कहीं भी रहो। आप एक करंट अफेयर्स होता क्या है कि करंट चीज़ें, तो वो आपका लाइफ ही करंट है, तो अपने आप को इतना अवेयर रखो कि न्यूज़पेपर से लेकर टीवी के माध्यम से या कोई भी न्यूज़ जो भी चर्चे में आती है। आजकल तो सब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, डिजिटल जो है डिजिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो करंट अफेयर्स पहला तो यहाँ से अचीव करना चाहें, और जो भी चीज़ें बड़ी चीज़ें इम्पैक्ट हों, फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको ज़रा यूज़ करवाएं कि हाँ अभी क्या चल रहा है, इसका अभी हमारे साथ क्या इम्पैक्ट होगा, तो कोरिलेट करने की कोशिश करें। तो बहुत सारे जो करंट अफेयर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं वो आपको ऐसे अटैच हो जाते हैं। पिक्टोरियल व्यू सर आपके द्वारा ही मैंने सुना था कि उसका एक मन में वो तैयार करें इमेजिनेशन, तो उससे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हो जाते हैं। बाकी सर कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट होती हैं या जो अनसीन होती हैं, वो आप रेगुलर या लास्ट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोकस करने की कोशिश करें। और सर क्लासेस में आपके आप खुद ही करा रहे हैं, अभी तो मैं क्लास ही कर रहा था, मेरा रिजल्ट आया, तो सर आपके साथ ही चल सकते हैं ये चीज़ें। ये सोशल वर्क चले गया, लोग कह रहे हैं सोशल वर्क जा चुका है, डिफेंस स्टडी जा चुकी है, आपके भी यही दो ऑप्शनल थे। जी जी। और सपोज करो आपको भी अगर 2019 देना होता तो फिर इस कंडीशन में आप क्या ऑप्शनल चुनते हैं। सर ऑप्शनल को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो ऑप्शनल चूज़ करने का जो तरीका था बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि ये स्कोरिंग है या कुछ ऐसा है, बस मेरी तो स्ट्रेटजी ये थी कि मेरी एकेडमिक ही ऐसे है कि मुझे कभी कोई सब्जेक्ट टफ नहीं लगा। मुझे बस ये लगता था कि सामने सिलेबस क्या है, सिलेबस के कंटेंट क्या हैं, उन कंटेंट को देखो और उस वो कंटेंट क्या कह रहा है, वो चीज़ें रिसोर्स क्या है, उसका कहाँ से मिलने वाला है, उसको अगर हम रीड कर रहे हैं तो शायद वो मेरे लिए ही कंटेंट है, तो मेरे लेवल का ही होगा। तो मेरी ये स्ट्रेटजी शुरू से रही है। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा, मैं BHU का था, उसमें एंसिलरी में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो आपके आपसे बिलोंग नहीं करते हैं। आप साइंस के हो तो आर्ट्स की चीज़ें पढ़नी होंगी, मैथ्स की चीज़ें पढ़नी होंगी, बायो को तो मैथ्स की चीज़ें पढ़नी होंगी, तो चीज़ें मैं उसमें हमेशा बेहतर करता रहा। तो सिलेबस को देख के नहीं, बस मुझे ये लगा कि यार ठीक है सिलेबस थोड़े छोटे ज़रूर थे, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं होता है कि वो छोटे थे और उसका वेटेज ज़्यादा ले सकें हम, नहीं। ये मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो इस तरह की गलती करने का जो खामियाजा भुगते हैं। क्वेश्चंस अपने आप में अल्टीमेट होता है, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, वो किसी भी सब्जेक्ट्स में आप बना सकते हैं, वो आपको कॉमन होगा। तो अगर ये ऑप्शनल हट गए हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी ऑप्शनल एक चूज़ करिए अपने लेवल का। अगर सोशल वर्क है तो मुझे लगता है शायद सोशियोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, जो मैंने एक बार थोड़ा सिलेबस देखा है। तो वर्क तो सभी में करना है सर, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट की मेरे पास एक बहुत बड़ा एक हथियार था वो चला गया और ये मुझे अब हार मिलने वाली नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। और कोई भी एक ऑप्शन उठाएं, वर्क तो आपको करना होगा, जिसमें वर्क करेंगे दैट विल गिव यू रिजल्ट। तो योगेश का मैसेज आप लोग एकदम साफ है, और मैंने भी यही बताया था आपको कि कोई भी ऑप्शनल ये नहीं होता छोटा बड़ा या स्कोरिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके पास स्टडी मटेरियल है और एक एजुकेटर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और जहाँ तक मेरे को याद है योगेश को तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मेरे ख्याल से जब भी मार्कशीट आएगी तो ही विल बी द टॉपर। क्यों कैसा होगा, सोशल वर्क गया तो, लेकिन कोई बात नहीं, सोशल पढ़ाया था आपको, तो आपको लगता है कि सोशल वर्क में कि आप टॉप स्कोर मारोगे इस बार जो आने वाला है। अभी मार्कशीट किसी को नहीं पता, मार्कशीट तो अभी नहीं आई है, फिर भी क्या इंट्यूशन आता है? मेरा एक पर्सनल फीलिंग था आफ्टर जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन, उसके पहले भी मैं ऐसा प्रिजुडिस्ट तो नहीं था, बट इसमें एक था कि आपके मैटर्स बहुत सारे थे, मैंने आंसर राइटिंग करा था, आपका मॉडल आंसर था उसमें, तो उससे मैं काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश किया था। बट अपने पर्सनल इनपुट्स भी ज़्यादा मायने रखते हैं और किसी भी सब्जेक्ट्स में मुझे लगता है पर्सनल इनपुट और पर्सनल स्ट्रेटजी ही काम आती है, क्योंकि ये मेंस में जो होता है सर वो एग्ज़ाम के जो 3 आवर्स होते हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप आपके पास कंटेंट कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा होते हैं बट वो 3 आवर्स में आपको कुछ निकलते नहीं है, या आपको पता रहे तो भी आप उसको डिस्प्ले नहीं कर पाए, या करे भी तो एक प्रॉपर वे में नहीं कर पाए, वो मेन सबसे ज़्यादा जो है मैटर करता है। तो वो मैं जब एग्ज़ाम दे के निकला तो मुझे ऐसा फील हुआ, एक बार लास्ट में जब कॉपी समअप करते समय देखा कि तो काफ़ी अरेंज वे में लग रहा था, तो मुझे लगा कि यार शायद बेहतर हो सकता है। तो रिजल्ट से तो फिर कह सकते हैं शायद कुछ ज़रूर हुआ होगा ऐसा। एक टाइम पे यूपीएससी प्रिपरेशन दिल्ली के सिर्फ कुछ ऑफलाइन क्लासेस में ही हो सकती थी, और वो भी लाखों रुपये की फ़ीस देने के बाद। इसीलिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मदद के लिए मैंने एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज यूपीएससी प्रीलिम्स पे मेरी किताब अमेजॉन के टॉप 100 बेस्ट सेलर्स में है। यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी है ये समझना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस और एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस के साथ मैं आपको सफलता की ओर ले जाऊँगा। मेरा नाम है मृणाल पटेल, मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ। और ये बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि योगेश ने ब्लैक से लिखा कि ब्लू से लिखा, या एक ही पेन से शुरू करें तो एक ही पेन से शुरू लास्ट तक करना चाहिए, अदरवाइज 5 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे पर पेज। तो ये क्या मिसनोमर है, इसको आप थोड़ा दूर करो। मेरा यूपीपीएससी में जो भी मुझे पता है मैंने किया भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर कि पेन यूज़ करने में। मुझे लगता है कि आप ब्लैक और ब्लू दोनों पेन आप यूज़ करो, उससे कॉपी काफ़ी डेकोरेटेड लगती है, काफ़ी सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। आप मैटर एक अलग बात है, कंटेंट होना ही चाहिए, लेकिन कंटेंट के साथ में अगर कॉपी आपकी अच्छी लग रही है, कॉपी में डेकोरेशन में चमक रहा है कॉपी ऐसा, तो वो एक एग्जामिनर के ऊपर जो है काफ़ी साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, तो मार्क्स को जो है ज़्यादा मार्क्स फेच करता है। तो ये मानना है, तो आप ब्लैक और ब्लू बिल्कुल यूज करें और बिल्कुल क्लेरिफाई हो, जो आपके आंसर राइटिंग हो ऐसा लगे कि एग्जामिनर्स बहुत कम टाइम दे के आपके अंडरस्टैंडिंग को ले सके, ये फोकस होना चाहिए। जो मेरा पर्सनल रहा है, मेरी शुरू से एकेडमिक में रहा है, और दैट्स वाई कि मैं एकेडमिक में हमेशा टॉप ही अचीव किया। ओके, तो कॉपी लिखना अपने आप में ये बहुत बड़ा चीज़ रहा है। आपके पास बहुत सारे कंटेंट होते हैं, लेकिन आप एक बार खुद चिंतन करें। मेरा एक कहना है कि आप एक कभी भी कंटेंट लिखने से पहले आपकी खुद एक स्ट्रेटजी हो। ड्यूरिंग एग्जाम नहीं आता है, आप पहले प्रैक्टिस करें घर पे। अभी सर मुझे आंसर राइटिंग के लिए जब भी दिया करते थे तो मेरा ये नहीं रहता था मैं जितना जल्दी उसको आंसर भेज दूँ। मुझे लगता था ठीक है, कंटेंट जो भी तैयार है, एक मन में ये फ्रेमिंग होनी चाहिए कि इसका आंसर मैं कैसे यूनिक करूँ, मैं कौन सा डेटा दे दूँ जो मेरे लिए अलग हो, इसको मैं कैसे अरेंज कर दूँ, कैसे डायग्राम बना दूँ, कौन सा चीज़ें ऐसे डायग्राम या कुछ और चीज़ें शॉर्टकट में डाल दिया जाए, या कुछ कंक्लूजन में ऐसे पॉइंट्स हों जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, जो ये लग सके एग्जामिनर को यार कि ये आप यहाँ तक पहुँचे हुए हो। तो आई थिंक वो बहुत बेटर होता है, आपको बहुत डिस्टिंक्ट करता है और डिस्टिंक्ट रंग दिलाने में हेल्प करता है। बच्चों के दिमाग में एक स्टैटिक पोर्शन बहुत रहता है कि स्टैटिक याद करोगे तभी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री निकलेगा, नहीं तो फिर यूपीएससी की तैयारी करो, यहाँ आना है तो आपको रटना ज़्यादा पड़ेगा। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अभी तो सर ये कह सकते हैं कि करेंट का बेस तो बढ़ता जा रहा है, हाँ, लेकिन ये भी है कि स्टैटिक को कभी छोड़ नहीं सकते, दैट इज़ द बेस। और करंट भी रिलाई करता है तो उसी स्टैटिक्स पे ही करता है। अगर स्टैटिक्स नहीं क्लियर है तो आप करंट को आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, एंड दैट विल बी द वेरी टफ टास्क टू मेमोरेबल, कि आपको बेस ही नहीं पता तो आप उसको कहाँ से कोरिलेट करोगे, कैसे जानोगे आप। तो बेसिक स्टैटिक्स तो रहना ही रहना है, स्टैटिक्स आपको करना है, एंड देन आफ्टर करंट अफेयर्स। एक और क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चनों की लिस्ट है, बच्चों ने बहुत पूछा है कि सर बच्चों का क्वेश्चन है, सर आपने योगेश को ऐसा क्या पढ़ाया कि उसने 3 घंटे में कैसे टाइम मैनेजमेंट किया होगा, क्योंकि आप जब भी पढ़ाते थे कहते फ्लो डायग्राम मस्ट है, तो इतने सारे फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन छूटना तय है, तो आपने कैसे मैनेज किया वो बताओ आप। सर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि मेरी कॉपी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता था, मेरे कॉपी में जब ये था बिल्कुल क्लियर होते थे, स्पेस ज़्यादा दिखते थे। अगर मुझे जैसे कुछ पॉइंट्स देने हैं, कुछ एग्जांपल्स देने हैं, तो मेरे वो पॉइंट्स में ही होते थे, बुलेट फॉर्म में होते थे। और इसमें यह है कि डायग्राम बनाने में आपका टाइम जाता है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि डायग्राम अगर बनाते हैं तो आपको रिटर्न जो चीज़ें, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ करना है, आपको क्वेश्चंस को समझते हुए आप ये कर सकते हैं कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, कहाँ पे मुझे थियोरेटिकली देना है और कहाँ पे मैं डायरेक्ट डायग्राम दूंगा। अगर आपके पास पहले से कंटेंट में है ये चीज़ें कि आप इस मैटर में आपके पास एक डायग्राम आप दे सकते हैं, तो वो आप उसको बिल्कुल दीजिए, उससे आपका टाइम बच जाता है और वो ये आपका टाइम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आपको लिखना कम पड़ेगा और वो इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा जो है वो। तो इसमें इस कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि डायग्राम भी बनाना है मुझे करनी, दोनों आप पैरेलल नहीं कर सकते हो, हाँ, बट इसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए। वो आप जनरल करंट जो है राइटिंग प्रैक्टिस जो होगी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसमें आप इस चीज़ को अपना मेंटेन कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो आपका ही पेपर छूटा था या छूटने वाला था? नहीं सर, मेरा ये था कि मेरा टारगेट था, क्योंकि मैं शायद एक आध लोगों से कांटेक्ट किया था, तो लोग ये कहते थे कि अगर पेपर आप कर जाते हो, पूरा अटेम्प्ट होता है, देन दैट विल कॉल फॉर इंटरव्यू। इतना इंटरव्यू कॉल तो आपको आ जाएगी अगर आपने आंसर सभी किया है और उसके अराउंड ही रहा है, तो आपको इंटरव्यू कॉल आनी है। तो मेरा टारगेट था कि नहीं, मुझे छोड़ना तो नहीं है, उसके लिए स्पीड्स को मेंटेन किया मैंने। और बट इस बार तैयारी अच्छी थी मेरी, तो सब कुछ अच्छा रहा। एक सिचुएशन मेरे साथ हुआ था डिफेंस स्टडीज़ के सेकेंड पेपर में। अच्छा सर, वो सिचुएशंस तो काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। वो सीखने वाली बात होगी कि एक लास्ट टाइम पे भी आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने क्वेश्चंस को ऐसे अरेंज कर देते हैं कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इतने टाइम में ये क्वेश्चन अरेंज हो जाना चाहिए। तो मेरे साथ एक मिसकॉन्सेप्चुअल हो गया कि ये चीज़ें कि आई थी कि यार मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं, ऑप्ट कर लिया और टाइम रख लिया, तो 4:30 की टाइमिंग को मैंने फिनिश कर लिया। 4:30 बजे मेरा पेपर ख़त्म होने को है। और अब तो ऐसे रहते क्वेश्चन आंसर बुकलेट होता है, QCA भी होता है, तो आप यानी कि किनारे से लिखते चले और आगे तक, तो वो आगे पलटा। लास्ट में सर मैं चला गया, लास्ट में फिनिश कर दिया, तो मुझे 4:30 बजे मेरा पेपर ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि यार हो गया पेपर, दैट्स ऑल। और तब तक फिर पता चल रहा कि 5 मिनट अभी कॉपी ली नहीं जा रही है, वार्निंग बेल भी नहीं बजी। तो मुझे लगा चलो अभी टाइम है, तो और कॉपियों को डेकोरेट कर लिया जाए और जो चीज़ें बची हैं एग्जाम्पल्स बढ़ा लिया जाए, कुछ और अच्छा कर लिया जाए, कुछ और कंटेंट इनपुट दे दें। तो वो करा मैंने, 5 मिनट भी था, फिर मुझे लगा अभी भी नहीं ली जा रही है, मुझे लगा शायद उसके 5 मिनट लेट बटा हो कॉपी। फिर मैं उसको और ज़्यादा अपने आप में पीछे वो सब चीज़ों को फिर किया। फिर जब आफ्टर 5 मिनट्स हुआ और तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो है दिक्कतें कि ये कॉपी क्यों नहीं ली जा रही है। मैंने फिर क्वेश्चन पेपर को देखा कि माय गॉड कि एक क्वेश्चंस मेरा बचा हुआ है जो मुझे करना था और ये चीज़ें बीच में स्लिप हो गई हैं मुझसे। एक क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स के क्वेश्चन सर, 40 मार्क्स 15, 15 एंड 10। Oh my God, फिर कैसे किया? उसके बाद मुझे ये लगा कि लास्ट पेपर था सर डिफेंस, सब कुछ हो चुका था और एक अंदर से फीलिंग थी कि सिलेक्शन होने को है, काफ़ी बेहतर हो गया। अब मुझे लगा कि नाउ यू हैव गॉन, नाउ जा चुके, ख़त्म हो गए। और उस समय कि मैं बता नहीं सकता सिचुएशन, मेरे दिल के धड़कन क्या कह रहे थे, इतनी बुरी हालत थी कि बस सब कुछ गया। और तब तक फिर मैं अपने आप को जस्ट उस समय अपने आप को अरेंज ऐसे किया, नहीं अभी भी है हाथ में, कुछ तो कर सकता हूँ मैं और ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। ये हिम्मत रखना अपने आप में तत्काल जो मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड जो एक वो था, एक सपोर्ट जो कर रहा था। एक तरफ तो जा रहा था कि आप जा चुके हो, फिर दूसरी तरफ ये लग रहा था कि नहीं, कर सकते हो तो कर सकते हो, करो, अभी ऐसे नहीं छोड़ सकते बिकॉज अब लास्ट में हो तुम, सब कुछ अच्छा कर चुके हो। तो उस समय सर मैं अपने आप को समझाया, एक ग्लास पानी जो है रखा था जस्ट लिया। मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल किया, मुझे लगा नहीं, मुझे करना है तो करना है। सर उस समय मैं जो भी 3 क्वेश्चंस थे वो कारगिल वार का इम्पैक्ट था यहाँ पे, तो वो चीज़ें मुझे मेंशन थी, वो चीज़ें क्या हैं। तो वो 15, 15 और 10 3 मार्क्स क्वेश्चन थे। मैंने बोला कुछ नहीं, जो पता हो मेन चीज़ पहले उसको डालो, ब्लैंक नहीं जानी चाहिए कॉपी। तो सर ये क्या था कि कारगिल वार के थ्रू जो है इंडिया ने जब हेल्प मांगा था कि मुझे आप एक उसका फुटेज दे दो जिसकी वजह से मैं प्रूव कर सकूं कि ये, तो ये स्टोरी मेरे बस दिमाग में थी, इतनी सी। तो उस चीज़ को मैं बोला कि नहीं, जस्ट लिखो आप आयरनेसेस की, वो उसने लिख के और इस सब चीज़ों के इम्पैक्ट में डाला कि बस वो लग जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं। नो मैटर कि आप बहुत अच्छा अरेंज कर पा रहे हो या उसके चक्कर में आपका क्वेश्चन छूट जाए। फिर मैंने जैसे सेकंड क्वेश्चन को भी पैरेलल अटेम्प्ट किया। मुझे लगा कि इसके आगे भी मुझे कुछ इनपुट्स थे उसमें डालने, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पहला इतना डालो ताकि एक लगे कि हाँ मुझे कुछ पता है। फिर नेक्स्ट डाला और मैं 3 क्वेश्चन पैरेलल लिख रहा था और काफ़ी तेज़ी के साथ। और ये मेरे ये अंदर की ये विल पावर थी कि वो लास्ट टाइम का कि मैंने वो चीज़ें कर लिया। फिर मुझे लगा अभी भी तीनों क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट कर लिया, मेरे पास टाइम बचा हुआ है। फिर मैं एक्स्ट्रा इनपुट्स में गया। और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कभी ऐसे क्वेश्चंस होते ही होते हैं एग्ज़ाम में। आप सभी एस्पिरेंट्स आप इसको ध्यान रखें, कि इसीलिए कहते हैं कि एक सिविल एस्पिरेंट्स का एक बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए कि 24 घंटे चौकन्ने रहना, उसके जो भी हैं सभी सेंसेस जो है हमेशा ओपन रहने चाहिए। उसको लर्न करने के लिए ये इतना ब्रॉड एग्ज़ाम है कि किसी एक कंसेप्ट एक सिलेबस पर रिलाई नहीं कर सकता। वो कौन सी चीज़ें आपकी कहाँ से आ रही हैं, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू द सिविल सर्वेंट, तो आपको सोसाइटी में रहनी, सोसाइटी से कोई भी चीज़ें आपको मैसेज दे सकती हैं, वो आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में हो सकता है ये चीज़ें। तो मैं ऐसी एक लक्ष्य मूवी देखा था और उस मूवी में मैंने ये चीज़ देख लिया था कि वो एक जो कारगिल वार के बारे में ही हो, तो सर उसका जो टेरेन था हमारा एक टफ टेरेन था, एक डिफ़िकल्ट टेरेन, जो अभी इसके पहले कभी वार का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया के पास। तो वो चीज़ मैंने मेंशन कर दिया जस्ट मूवी से कि हाँ, कि ये चीज़ें भी मेरे लिए लर्निंग था कि ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना होता है, कि जो है जब हमारा दुश्मन बिल्कुल हमारे टॉप पे हो और हम बिल्कुल नीचे हों, तो एक इसके लिए भी स्ट्रेटजी जो है बनाई गई और चीज़ें। तो बस ऐसे ही चीज़ें आप अलर्ट रहें, चीज़ों को कर सकें, तो तैयार रहेंगे तो आप कर पाएंगे। एग्ज़ाम में एग्ज़ाम बहुत ही रैंडम होता है, कुछ भी पूछे जा सकते हैं वहाँ पर, आपको हर तरह से तैयार रखना है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। शायद पेशेंस नहीं होता तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं होता। एक बार बुक लिस्ट भी बता दो आपकी कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो प्रीलिम्स में आपके पास एक रेफरेंस बुक तो होने ही होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के, और इसमें डाइवर्सिफाई नहीं हो, आप बिल्कुल रैंडम नहीं जाएं, जो कि प्रॉब्लम होती है सिविल एस्पिरेंट की, कि इतने ढेर सारे मैटर्स हैं मार्केट में, बहुत दिक्कतें होती हैं। ये मेरे लिए बहुत बेहतर रहा सर, मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं एक जॉब में रहा, मतलब जॉब में भी हूँ और मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ अपने स्कूल के लिए भी, अपना काम हम पूरा अच्छे से करते हैं। तो मेरे पास कम टाइम था, उस कम टाइम में मेरे पास रिसोर्सेज जो थे बहुत ही लिमिटेड थे। वो जो है स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी आप एक ले लें, एक तो ओवरऑल एक हो जाता है ठीक है, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मी कांत है और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ढेर सारे हैं, बट मैंने रमेश सिंह को भी फॉलो किया था। तो वो आप कोई भी हो, एक सिलेबस को आप देखते हुए लगे कि मेरा सिलेबस इस चीज़ों से तैयार हो रहा है, कोई भी एक चीज़ से तैयार करो, आप उस कंटेंट को बिल्कुल अपने अंदर डाल दो किसी भी तरह से। तो दैट इज़ द रेफरेंस बुक। और उसके बाद जो मैं अगर यूपीपीएससी की बात करूं, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स जिसका कलेक्शन पूर्वावलोकन में है घटना चक्र के, ये तो बाइबल मानिए आप, इनको करना ही करना होगा। इसको आप अगर अच्छे से करते हैं, समझदारी से करते हैं, तो आई थिंक प्रीलिम्स में आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं होने हैं। बच्चे कहते हैं वो हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं आती है, तो ऐसे में क्या बोलोगे आप? इसमें मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप कभी भी सिविल सर्वेंट बनना हो तो कभी ये किसी प्रॉब्लम्स को आप बड़ा प्रॉब्लम मत बनने दो। आपका काम ही होना चाहिए कि उसको हमें रिजॉल्व करना है। तो आप अगर यहीं उलझ जाते हैं तो आप एक बड़ा काम कैसे कर सकते हैं, आप तो फिर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं सिविल सर्वेंट बन के। तो अब ये छोटी सी चीज़ है कि आप हिंदी और यहाँ तो यूपीपीएससी की सबसे बड़ी बात है कि आपको हिंदी का 150 मार्क्स के तो पेपर देने हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो, और अगर हिंदी के हो तो एक मैटर आती है कि इंग्लिश में जो है डिफ़िकल्टीज हो रहे हैं या कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए, एक होनी चाहिए नॉर्मली। अगर कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं तो उसके लिए रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं। अब तो घटना चक्र दोनों में आने लगा है, शायद अभी तक मेरे नॉलेज में इकोनॉमिक्स एक मैटर करता है, बाकी सभी कुछ अवेलेबल हैं। तो इकोनॉमिक्स तो ऐसे भी जनरली हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत चलता है, ऐसा कहीं भी कन्वर्सेशन में प्योर हिंदी नहीं हो सकता, प्योर इंग्लिश नहीं हो सकता, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका प्रॉब्लम्स रिजॉल्व दिखता है, आप इससे रिलाई कर सकते हैं कि घटना चक्र पे आप इंग्लिश वाले इंग्लिश ले लें और हिंदी वाले हिंदी, इसको करना ही करना होगा। यूपीपीसीएस में एक हिंदी का पेपर होता है, फिर ऐसे का पेपर होता है, और हिंदी के मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं, पासिंग मार्क्स भी है प्लस मेरिट में भी जुड़ता है। तो इनको डिसाइडिंग फैक्टर मानते हो आपकी हिंदी और ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर हैं? अगर हैं तो इनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर 150 नंबर के हिंदी होते हैं, 150 नंबर के ही ऐसे होते हैं, और इन दोनों को देख लिया जाए तो 300 मार्क्स, और ये 300 मार्क्स ऐसे हैं जो कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने देखा है थोड़ा बहुत, जैसे भी जितने लोगों के नॉलेज में जो रहे हैं, कि ये दोनों अपने जीएस के चक्कर में, ऑप्शनल के चक्कर में इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा डिसास्टर जो है ऐसा होता है लास्ट में रिजल्ट के रूप में। और मैं यही बताऊँ, मैं अपनी सेल्फ की स्ट्रेटजी बताऊँ तो मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को कभी भी लाइटली नहीं लिया। वो ऑप्शनल चल रहा है ठीक है, लेकिन ये 3 मार्क्स ये तो देखिए ना आप लाइटली क्यों लेते हैं कि वो इजी है काफ़ी, वो तो हो जाएगा। यार जो हो जाएगा आप उसको और बेटर क्यों नहीं कर सकते हैं? सही है। आप वो आप 5 से 10 मार्क्स का जो डिफरेंसेज है आप ऑप्शनल में करने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, आप उसका थोड़ा सा टाइम देके आप इसको और ज़्यादा मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो मेरा ये मैसेज है आपको कि आप इसको कभी भी लाइट मत लें। इसमें मार्क्स डिफरेंसेज जो हो जाते हैं आप वहीं 90 पा जाते हो, 80 मार्क्स पा जाते हो, वहीं पर 110 मिल जाते हैं, 115 मिल जाते हैं सर हिंदी में, और इतना मार्क्स आपका रैंक डिसाइड कर जाएगा। तो बुक कौन सी अच्छी रहेगी हिंदी के लिए? हिंदी के लिए भी सबसे पहला काम ये है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं उनसे आप एक स्ट्रेटजी बना लें। ये हमारे शुरू के तो सर जो लिटरेचर के पार्ट्स होते हैं वो उसमें कोई मैटर नहीं दिखता, वो आपकी जनरल स्ट्रेटजी होती है, सामने कुछ मैटर्स होते हैं, गद्यांश होता है, क्वेश्चंस होता है, ये सब चीज़ें चल जाती हैं। तो उसके लिए नहीं कुछ करना है आप, वो तो आपके नेशनल लेवल पर चला जाएगा। आप जो ग्रामर के पोर्शंस को जितने आए हुए हैं उनको तो आप ऐसे लिख जाए। मैंने लिख के पूरा तैयार किया कि अभी तक अच्छा ये मुहावरे के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, एक लिस्ट अलग बना लिया, बिलोंग के कितने आए हैं एक अलग बना लिया, वो बिल्कुल ज़बान पे रहें। ज़्यादातर चीज़ें रिपीट कर जाती हैं। तो पत्र, सबसे बड़ी बात है इसमें पत्र लेखन आता है, ड्राफ्टिंग और तो इसमें 5 या 6 प्रकार के जो पत्र होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को, इस पर एक करना चाहिए, एक रिसर्च कर लेना चाहिए और उसको एक तैयार कर ले कि इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसका फॉर्मेट है क्या, प्रारूप क्या है, और एक सबका उदाहरण मन में तैयार रहे। वो आपको बहुत हेल्प करता है एग्ज़ाम में, आपका टाइम बचाता है और इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि दिस इज़ द परफेक्ट वे। जब एग्जामिनर चेक करता है उसको लाइट में लेते हैं तो थोड़ा बहुत कहते चल जाता है, मार्क्स मिल गया, ऐसे हो गया। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें आप और इस पर करें। और रही बात एक सही फॉर्मेट पर, मैंने जो रिसर्च किया था मैं शेयर कर सकता हूँ सर के माध्यम से, तो वो चीज़ों को मैं दूंगा कि हिंदी में जो चीज़ें एग्जैक्ट क्या हैं। कई सारी किताबों में या मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा एम्बिग्युइटी है पत्र लेखन वगैरह में, तो इसको आप अचीव कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले लें। और एक रेफरेंस बुक के तौर पे हरदेव बहारी की बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं, दैट इज़ द अल्टीमेट बुक, कि ग्रामर्स के पोर्शंस को आप लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो जहाँ से उठाते हैं शायद किसी एक रेफरेंस बुक से उठा लेते हैं, तो बिलोंग का तो कोई लिमिट नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई लिमिट नहीं है, तो उसमें जो रहते हैं तो शायद वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। तो आप छोटा चीज़ें हैं, आप 1-2 बार करिए, प्रैक्टिस में लिए रहिए, वो चीज़ें हो जाएंगी और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो मेरे को लगता है आप लोग का हिंदी का डाउट क्लियर होगा। काफ़ी लोग बोलते थे कि इसमें स्कोर कितना होता है, तो मेरे ख्याल से 105 भी मिलते हैं मिलने वालों को, 95 115 मार्क्स भी मिले हुए हैं। तो वही मैं आपको बोलता हूँ हिंदी डिसाइडिंग फैक्टर है। 30 मार्क्स भी मिले हुए हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के चाहे हिंदी को। अगर इस लड़ाई में जाना है तो हिंदी को पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है। दूसरी बात, नोट्स जो है ये शेयर कर देंगे, आप भी ड्राफ्टिंग देखो, फिर योगेश की ड्राफ्टिंग से मैच करो, उससे आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब हमारा लास्ट अगर ऑप्शनल की बात करें, प्रीलिम्स की तो लगभग सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। एक ऐसे रह गया, ये ऐसे में अच्छे मार्क्स क्या लाना चाहिए? ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। 3 ऐसे होते हैं सेक्शंस डिसाइडेड हैं, आपको इन एक काम कर सकते हैं कि इन तीनों सेक्शंस को देखते हुए अपनी एक स्ट्रेंथ के लेवल से आप ऑलरेडी चॉइस कर सकते हैं कि मुझे इस फील्ड में मुझे लिखना होगा। हालांकि सेफ के 3 ऑप्शंस होते हैं, तीनों में से आप 2 ऑप्शंस पे ज़्यादा वो कर लें तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। कभी कभी हो सके आपके फेवर का टॉपिक नहीं रहा आपने तैयार किया तो एज ए सेफ होने के लिए, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड का था तो मेरा रहता था कि साइंस को मैं पहले ऑप्ट करूँगा ही, साइंस टेक का जो भी आएगा, इन्वायरमेंट्स जो भी आएगा मैं इसको टैकल करूँगा। मेरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो IR से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो दैट आई विल ऑप्ट दैट। तो ये चीज़ें रहती थी। और सर फर्स्ट सेक्शन में 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, एक वुमेन बेस्ड होता है, वुमेन एम्पावरमेंट, और एक एग्रीकल्चर्स। तो ये दोनों बड़े फोकसिंग एरिया होते हैं। एक लिटरेचर होता है, तो अगर लिटरेचर वाले हैं तो फिर लिटरेचर को फॉलो कर सकते हैं, और बाकी ये दोनों वुमेन्स और ये एग्रीकल्चर्स। तो आप इसमें ऑलरेडी एक डेटा कलेक्शन आप तैयार करिए। नॉर्मली मेरा जो एक रहा स्ट्रेटजी कि इसको कैसे करना है, कहीं से रेडीमेड आप किसी ऐसे को नहीं आप देख सकते कि ये रेडीमेड आंसर्स है और वो ऐसे है मैंने पढ़ा। हाँ, पढ़िए आप, एक स्ट्रेटजी लीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हैं तो किसी की आप ऐसे उतार नहीं सकते ऐसे, क्योंकि वो अपने अंदर का ही फ्लो आता है। तो एक एनालिसिस अगर अंदर से रहता है तो वही चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। और एनालिसिस के लिए आप जब एक बार पहले एग्ज़ाम के पहले एनालाइज करते हैं तो आपके मन में ऑलरेडी आ जाता कि यार यहाँ पर ये डेटा आ जाए तो वो बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो उस डेटा को आप रिसर्च आउट कर सकते हैं, उसको पॉइंट आउट करते रहिए। अपने नोट्स के फर्स्ट और लास्ट पेज पे ये सभी डेटा होने ही चाहिए, रेफरेंस के साथ में कि कहाँ सोर्सेज के साथ में कहाँ किस सोर्स से लिया गया है, वो बहुत ही बेहतर बनाते हैं। और कुछ कोटेशंस वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये UPPCS में इंग्लिश माध्यम वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो हिंदी से फाइट करने के लिए तो हिंदी में कुछ अच्छे लिटरेचर वाले वो लोग मिल जाते हैं जिनके पास कोटेशंस काफ़ी होता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं होना। अब तो मार्क्स दोनों के बराबर आ रहे हैं, तो दो स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं यहाँ पे। इलाहाबाद वाले बोलते हैं हिंदी में लिखो तो ही पास हो गए, लखनऊ वाले कहते हैं नहीं इंग्लिश में लिखो तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये अभी भी रहा है कि ये चल रहा है? नहीं सर, मैं इसको क्लियर आउट करना चाहूँगा कि अब 16, 17 और इस बार 18 का जो पेपर अभी हो चुका है, अगर इनके एसेज के जो टॉपिक्स को देखें तो उसमें कोई मायने नहीं रखता कि आप कोई लिटरेचर का बंदा है वो बहुत बेहतर कर सकता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश वाला भी अच्छा करेगा, हिंदी वाला भी वो करेगा, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत काफ़ी अच्छे लेवल के यूपीएससी लेवल से बिल्कुल मिलते जुलते आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो पहले से कोई रटा रटाया चीज़ है और बंदा वो तैयार किया हुआ है और पहले कोटे से जाके डाला बेहतर हो गया, ऐसा नहीं। तो इन शॉर्ट सफलता का श्रेय किसको दोगे आप? सर बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछा है। ये चीज़ें कभी एक लाइन में मैं नहीं बता सकता, बिकॉज कभी ऐसा नहीं रहा है कि, क्योंकि इसमें होता है कि आप किस दौरान आपके लाइफ में कौन इम्पैक्ट किया, तो ये एक लॉन्ग जर्नी होती है। इसमें इम्पैक्ट तो आपकी इनिशियल लाइफ से शुरू हो जाती है सर, प्राइमरी एजुकेशन से ही हो जाती है। तो मैं अगर देखूँ तो मेरे हर स्टेज में, मेरी लाइफ के हर स्टेज में कोई ना कोई एक ऐसा आता रहा और मैं इस यहाँ पे आगे बढ़ता रहा। तो शुरू में तो मम्मी पापा से लेकर शुरू करते हुए मैं चलूँ तो इनिशियल लाइफ में बहुत सारे टीचरों को, मैं एक सीरियस इसके स्टूडेंट हमेशा रहा। मुझे ये लगता था कि मेरा टास्क यार अच्छा से पढ़ना है, एज ए स्टूडेंट तो मुझे पढ़ना चाहिए, एज ए आइडियल स्टूडेंट मैं हमेशा बनने की कोशिश किया और इन रियल फॉर्म में, और हमेशा रिजल्ट के रूप में भी ठीक ठाक मेरे रहे, हमेशा मेरी एकेडमिक अच्छा रही और BHU तक सब कुछ सही रहा। जब मैं तैयारी के लिए यहाँ पे मैं आया तो इसमें भी कई लोगों का रोल रहा है कि कैसे चीज़ें मैं यहाँ तक पहुँचा और एंड किया। तो सर हर स्टेज में अलग अलग लोगों का रोल है। मैं अगर कुछ नाम लेना चाहूँ तो जैसे कि अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे पहले तो मदर फादर जो हमारे मम्मी पापा हैं, उनका स्ट्रगल ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक था, बिकॉज मैं बहुत ही छोटे लेवल से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे नॉर्मल एक मेरे घर में बिजली तो 2000 में 15-16 में एक बिजली लगी है। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेवल क्या होगा। वो एक लाइट से पढ़ना, कैंडल और ये सब चीज़ें जो है, तो वो ये थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं था। मैं अपने आप में बहुत वो स्ट्रेंथ फुल महसूस कर रहा था कि यार चीज़ें इतना फेस कर चुका हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए खोने के लिए क्या है। तो ये रहा। और सर लास्ट टाइम तक अगर मैं देखूँ तो मम्मी पापा, फिर मेरे 12th में बहुत सारे टीचर्स, सब लोग मुझे फेवर करने की कोशिश करते थे कि एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते। मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक डिप्टी कलेक्टर एक सर थे हमारे, उन्होंने मुझे टर्न आउट किया था कि आप तैयारी की तरफ जा सकते हो एंड यू कैन डू बेटर। तो मैं वहाँ पर डन किया कि नहीं चलो आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ करते हैं। फिर भी फैमिली बैकग्राउंड को था तो BEd वगैरह करना पड़ा मुझे कि नहीं, पहले जॉब बैकअप एक होनी चाहिए, तुम तैयारी ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि अब घर पे भी डिमांड है, घर पे कुछ नहीं है। तो मेरे साथ ये स्ट्रगल काफ़ी डीप रहा है। मैं कैसे उस सब चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट इतना है कि जो कुछ भी रहा है आपके लिए एक मैसेज ये हो सकता है इन नट सेल कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ तो आपसे। और तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी इनकी लाइफ के स्ट्रगल को अभी तक अगर मैं समाप्त करूँ, 2015 में बिजली आई, ठीक है। आप लोग कहते हो कि हमारे पास एक्सक्यूजेस देते हैं काफ़ी लोग, तो आप इससे सीख सकते हो। उसके बाद इन्होंने ये भी मेंशन करा कि इनके यहाँ टावर नहीं था, तो इस वजह से भी अनअकैडमी प्लस से पढ़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी जियो को कि आओ मेरे खेत में, मेरे चाचा के खेत में टावर लगाओ, वहाँ की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ। तो आप ये डिटर्मिनेशन देख सकते हो। और ये, हाँ बोलिए, ये चीज़ें हैं सर। मैं वही कहना चाहूँगा कि मुझे ये लगता है कि अगर आप बढ़ते हो आगे तो शायद एक कोई फिल्म की एक डायलॉग भी था, सारी कायनात आपको लग जाती है मिलाने में। तो ये टोटली प्रूव्ड होता है मेरा इंटरव्यू के टाइम तक कि बस मैं आगे बढ़ता रहा। सोचना तो शायद इतना बड़ा चैलेंज था कि जिस दिन रिजल्ट आया था लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि ये क्या है। हाँ, ये वही SDM बना है गाँव वालों के लिए, जिसके लिए मतलब क्या। मैं तो खुद अभी पिछले दिसंबर में सर, मैं SDM से मुलाकात करनी थी कुछ खेतीबाड़ी के मामले में। 2 दिनों तक लगातार मुझे उस कचहरी में दौड़ना पड़ा, तब शायद 2 या 3 मिनट का मुझे टाइम मिल पाया था एक एप्लीकेशन देने के लिए। और आज उन्होंने मुझे बुलाया था आज बुलाया उन्होंने आपको। तो ये होता है, आप आगे बढ़ें बिल्कुल भी। ये खासकर उनके लिए जिनका फैमिली बैकग्राउंड के नाते उनको लगता है कुछ भी ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। शायद ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं होगा जो आपके सामने आ रहा होगा और मेरे सामने नहीं आया है। तो हर स्टेज में और लोगों का रोल ऐसे आ ही जाता है। यहाँ तक कि मेरी बीच में मेरा इंगेजमेंट हो गया था, शादी भी हो गई, तो इसमें भी ये था कि शादी के बाद दिक्कतें हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने उसको भी अपने फेवर में बनाया। वाइफ ने मुझे मेंस के दौरान वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि उसमें ऐसा लगता था ना कितनी रैंडम चीज़ें हैं यार, कहाँ भटक रहे हो, तो वहाँ पे वाइफ बिल्कुल मोटिवेट करती थी कि यू आर द चैम्पियन, कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो। और उसके पहले तो चैम्पियन का टैगलाइन जो सुना था आपसे मेरी आंसर राइटिंग पहले ही गई, दूसरी गई। मुझे लगा यार मैं इस इतने लोकल रिमोट एरियाज में बैठ के मैं क्या इन लोगों में हूँ। हाईएस्ट मार्क्स भी, आप मार्क्स भी प्रोवाइड करते थे, तो मैं 2 बार अचीव, जो मैं हाईएस्ट मार्क्स मेरे आने लगे, हाँ तुम्हारे आते थे, तो मुझे लगा कि यार मैं कर सकता हूँ। इसमें योगेश तुम्हारे बारे में कुछ बोलना चाहूँगा अगर तुम परमिशन देते हो तो। सर योगेश को जब मैंने स्टार्ट किया था, जब ये मेरे से मिला, तुम काफ़ी चीज़ें थी कभी इनने मुझसे डिस्कस नहीं करी, इसकी सारी बातों को मैं समझ जाता था। और मैं ये मानता हूँ कि ये टीचर और स्टूडेंट का सबसे अच्छा रिलेशनशिप होता है कि जब सामने वाला जो है बिना कुछ कहे समझ जाए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको फ़ी जमा करनी पड़ती है, एक जमा करनी पड़ती है, तो वो आप कैसे बताओगे कि किस तरीके से अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ने आपको सहायता करी या मैनेज करी? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिसनोमर है। हमारा एम क्लियर है कि दूर बैठा गांव में कोई भी बंदा अगर वो पढ़ना चाहता है तो वी विल प्रोवाइड एजुकेशन। और इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? जी सर, मेरे साथ भी ये हुआ था वाकया कि आप शुरू से आप एक स्कॉलरशिप या ऐसे ही सब्सक्रिप्शन खुद फ्री ऑफ कास्ट देने की जो बार बार वो करते हैं और करते भी थे। एक बार तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था कि अभी मेरी वाइफ जो है स्लिप कर गई थी स्टेयर से, और उसमें मैं बहुत सफ़र कर रहा था। तो सैलरी टीचर की एक लिमिटेड होती है, पूरी फैमिली होती है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो मुझे लगा कि यार अभी तो मैं ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम्स में हूँ, कैसे करूँ, क्लास नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने आपको मैसेज किया था और मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि आप कितना किस तरह से कनेक्टेड हैं। आप मुझे अपना एटीएम नंबर और सब कुछ जो है कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ सेंड कर दिया 1 मिनट के अंदर अंदर, आप बिल्कुल पेमेंट करो, आई एम द रेडी। मैं पेमेंट तो नहीं ले पाया, ये शॉक हो गई कि ऐसे लोग भी हैं और ये चीज़ें मैं देखने के लिए मिलता है सर। इन्होंने 90 कई सारे बच्चों को हमेशा, अगर आप नीडी हो, बट ये है दैट शुड बी द ओरिजिनल कि आप उसको रियलाइज़ करो। जैसे मेरे लिए ये लगा कि उस समय तो मुझे अंदर इतना पावर आया कि यार कोई इतना कर सकता है मेरे लिए, तो फिर मैं अपना एक हार्डवर्क ही मुझे करना क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें आप बिल्कुल, अगर आपके अंदर है ऐसा क्षमता है, आप रियल हो, आप हेल्प ले सकते हैं सर का। ये मैंने देखा है और ये चीज़ें रियल हैं, होती हैं, चलते हैं। योगेश, एक और ये हमारा इसी प्रोग्राम का पार्ट रहता है टैग योर फ्रेंड, तो इसमें आपको कोई भी अपना फ्रेंड जिसको टैग करना चाहते हो, जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो या कोई और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, तो आप उनका नाम ले सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि नेक्स्ट राउंड में उनको यहाँ पे लाने की कोशिश करें। सर मैं इसमें एक मेरे फ्रेंड हैं मनोज कुमार, वो जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में इस बार चयन हुआ है। उनका रोल भी बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में रहा है। लास्ट टाइम पे उन्होंने बहुत हेल्प भी मुझे किया है और उनकी सेल्फ की लाइफ भी बहुत मोटिवेटिंग रही है, तो शायद उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं ये स्टूडेंट्स। तो वो मनोज कुमार, तो मनोज जी से हम जल्दी जल्दी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप ही के जैसा स्ट्रगल है तो बहुत अच्छी बात है कि लोग आपकी बातें सुने और आपसे कुछ सीखें। अब एक लास्ट राउंड डेट इज़ रैपिड फायर राउंड, तो तैयार हो जाओ, उसके लिए मैं कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूँ आपको, ठीक है? तो इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, ज़्यादा नहीं पूछूंगा, तुम्हारे साथ तो रह के पूरा सीख लिया मैं। तो शुरू करें? बिल्कुल। आपका फेवरेट कलर? पिंक। ग्रेट। फेवरेट एक्ट्रेस? दीपिका पादुकोण। मोस्ट रेस्पेक्टफुल पर्सन इन योर लाइफ? कलाम जी। फेवरेट मूवी? चक दे इंडिया। बिफोर एंडिंग योगेश, लास्ट क्वेश्चन, एस्पायरेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं एस्पायरेंट से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके लिए आ रहे हो, सिविल सर्वेंट के लिए आ रहे हो और डेडिकेशन है, डेडिकेशन तो लाना ही लाना पड़ेगा आपको, बस आगे बढ़ो और चीज़ों को एनालाइज करो। आप बस, आपके सामने सिलेबस होने चाहिए और आपके सामने क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए, उन चीज़ों को आप देखो, करो और सेल्फ की स्ट्रेटजी बनाओ। किसी ज़्यादा रैंडम ना जाएं आप, किसी भी एक टीचर्स को पकड़ लें और अगर जो लोग हों तो ये मुकेश सर को खुद फॉलो कर सकते हैं। मैं लॉन्चिंग नहीं कर रहा, मैं अपनी बता रहा हूँ रियलिटी में कि ये ऑन द वे, ऑन द टॉपिक कैसे रहना है। एक कहते हैं कि ना कि वो रेस का घोड़ा तो होता है, बट अगर वो चाबुक ना उसके ऊपर रहे तो फिर वो भी डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो इसलिए आप एक किसी भी पर्सनस को फॉलो कर सकते हैं और आगे बढ़ें, सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज के लिए, और आई होप कि सारे एस्पायरेंट जितने भी हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप एक रोल एग्जाम्पल बन गए हो, रोल मॉडल बन गए हो। एंड थैंक यू वेरी मच, एक छोटा सा अनअकैडमी की तरफ से आपको। थैंक यू सर। थैंक यू योगेश।